अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना प्यारा सा होस्ट फानी गिल। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर करना जा रहा हूं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो चाइना में आए हुए हैं, स्टडी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, किसी भी हवाले से वो चाइना आए हुए हैं। तो आज की जो बातें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में गए हैं उन सब को भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉलो करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ना खुशगवार चीज़ें हैं, तो आज शेयर करते हैं उन्हीं चीज़ों को। तो पहली बात चाइना में ये है कि चाहे बारिश है, आंधी है, कुछ भी है, तूफ़ान है, आपने अपना काम नहीं छोड़ना। अब ये हैवी वाली बारिश हो रही है, ये मैंने भी ये छतरी जो है ली हुई है, ये बच्चे अपनी अम्मी के साथ छतरी पर ले के आ रहे हैं। ये देखे कुछ इवेंट हो रहा था और उस इवेंट को बारिश, फुल बारिश में ग्राउंड में पाकिस्तान में होता तो ये इवेंट जो है ना अब तक ख़त्म हो जाता। लोग ये देखें अभी ये जो है ना छोटी छोटी बच्चियाँ ये भी जा रही हैं उधर, जो भी इनका इवेंट है हर एक ने अपनी छतरी ली हुई है। मकसद ये है कि कोई भी वेदर कंडीशन आपके काम को रोक नहीं सकती। देखें ग्राउंड में आपका काम कर रहा है, उस लड़की ने वो जो आ रही है उसने बरसाती पहनी हुई है और उनका जो काम है शेड्यूल डेट के हिसाब से वो चल रहा है। तो पहली जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं क्या है जी, कि सुबह उठे हैं हल्की सी बारिश हुई तो हमने नहीं जी जाना यूनिवर्सिटी, आज छुट्टी है, आज काम से छुट्टी है, काम पे नहीं जाना, दुकान बंद है जी, आज बारिश हो रही है, आज इंजॉय करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए, पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करने के बाद इंजॉयमेंट करें। तो पहले मैंने दिखाया आपको कि ये बारिश हो रही है, उसके बावजूद ये लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, हालांकि ये इनकी कुछ छोटी सी एक्टिविटी ना भी करते तो इतना कोई इशू नहीं था, पर वो लोग अपनी एक्टिविटी को भी बारिश में ग्राउंड में कर रहे हैं। तो जी दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से आज मैंने वीडियो बनाने की जसारत की है वो ये है कि अभी सितंबर मिड यानी कि चल रहा है, आज 22-23 तारीख हो गई है, तो पाकिस्तान के बहुत से नए स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर निकले हैं तो वो चाइना आ चुके हैं, इधर आके उनको कुछ हफ्ता दो हफ्ते हो गए हैं, उन्होंने इधर आके नया माहौल देखा है। लड़कियों ने जी कच्छे पहने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कच्छे पहने हुए हैं, उनकी जो शर्ट्स हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, उनकी दुनिया यानी कि एकदम से वो कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो वो हो गया। अब इस साल जो रिसेंटली मेरे साथ है, हमारे यानी कि यूनिवर्सिटी में केस हुआ है, वो ये है कि भाईजान पाकिस्तानी कुछ इधर हमारे दोस्त थे तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी इधर अपने पास ना बुलाया हुआ था। तो अब मोस्टली ये होता है कि आप अगर इधर स्टूडेंट हो, काम करते हो, कुछ भी हो, तो दिन के टाइम आप जो है अपने रूम्स में नहीं होते या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो फैमिली यूजली इधर जो है ना बोर महसूस करती हैं, उनके पास काम कोई होता कोई नहीं है, पाकिस्तान की तरह के 10 लोगों के खाने बनाए या रूम की सफाइयाँ वो थोड़ा बहुत काम होता वो कर लेती हैं। तो हुआ क्या कि कुछ फैमिलीज थी वो इसी मेरी यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से ये मैं वॉक कर रहा हूँ इसी तरीके से वो फैमिलीज़ जो हैं शाम को वॉक के लिए निकली, तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने इधर आके देखा कि जी इधर ये देखे पीछे भी ये इन्होंने कच्छे पहने हुए हैं, तो दिखाना नहीं चाहिए किसी की, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा उस चीज़ को जो है ना चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया जी कि पाकिस्तानी 2-3 लड़कियों को देखा जो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी की फैमिली हैं, उनके पीछे उन्होंने हूटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इधर चाइना में साइकिल चलाना तो सबसे नॉर्मल काम है ना, कुछ भी है तो आप साइकिल आपके पास लाजमी है, हर टाइम आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो। तो उन्होंने साइकिलिंग की थोड़ी सी या वैसे रात को वॉक कर रहे हैं तो लड़कों ने हूटिंग करना स्टार्ट कर दी उनके पीछे। अब मैं वो अल्फाज तो नहीं कह सकता कि जी हाँ ऐसे है, साइकिल चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब वो 2-3 अकेली बेचारी लड़कियाँ थी, खैर एक दिन तो उन्होंने कहा खैर है, कुछ नहीं होता। 2-3 दिन ये मामला जब हुए मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो फिर जो है उन्होंने क्या कहा, किधर आपको दिखाता हूँ, ये पीछे कैमरे लगे हुए हैं, हर एक बोर्ड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आपकी 24 घंटे 24/7 सर्विलियंस हो रही है, आपका कोई भी ऐसा ब्लाइंड स्पॉट तो है ही नहीं
कि जिससे आप बच जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जी हम कंप्लेन करते हैं इन नए बच्चों के खिलाफ। तो फिर जब मेरे इलाके में बात आई, फिर मैं गया उधर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कंप्लेन ना करें, बच्चे हैं, चले उनसे गलती हो गई, उनसे मिलते हैं, उनको कहते हैं, समझाते हैं, अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर तो कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं कि आप किसी को हरास करो या किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करो, और पाकिस्तान की तरह कुछ भी नहीं है, खैर है, होता है, ऐसे वो सीन नहीं है इधर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप काइंडली मुझे एक दो दिन दें, मैं उन लोगों से जो भी है उनका यानी नॉमिनेट नहीं करूँगा, एक जर्नल उनको सबको ग्रुप में मैसेज करूँगा कि भाई जान ये ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि पाकिस्तान की आप सिख मैंटेलिटी ले के इधर आ गए हैं और इधर आके भी ये वाली हरकतें कर रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं और उसके नतीजे ये हो सकते हैं कि आप पाकिस्तान वापस चले जाओगे और चाइना आपको पक्का पक्का बैन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी हरकतें करने से बाद आ जाएं। अगर कोई दोस्त अहबाब जो चाइना में मौजूद है वो ये देख रहा है तो इसे लाजमी एग्री करेगा, और अगर आपके कोई आने वाला जाने वाला या इधर कोई ऑलरेडी है तो उसको लाजमी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी बाद में किसी गलत हरकत में मुलव्वस होने की बजाय उसको पता हो कि भाई इधर रूल्स एंड रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट हैं और किस तरीके से उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।